कई बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम करने वाली इस अभिनेत्री ने बड़ा खुलासा किया है। 11 साल पहले रामगोपाल वर्मा की फिल्म के सेट पर उनका शोषण हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। मैं बात कर रही हूं राधिका आप्टे की। आपने जिनको कई फिल्मों में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा और उनके अभिनय की बहुत ही तारीफ भी की जाती है। राधिका आप्टे की 11 साल पहले लगभग एक फिल्म आई थी रक्त चरित्र, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है कि उस सेट पर मेरे साथ शोषण हुआ था। मुझे बहुत कम पैसा मिला था, हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी मुझसे वो फिल्म कराई गई और उस समय मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर काम कैसे होता है। अब 11 साल बाद उन्होंने इस बात को कहा है और कहा है कि मुझे तो अच्छे से पेमेंट भी नहीं मिला, मुझे यकीन नहीं था कि मैं फिल्म करना चाहती हूँ। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि मुझे एक्सप्लॉइट किया गया, मेरा शोषण हुआ है। मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिले थे। फिल्म में कई बड़े एक्टर थे, आपको याद होगा कि उसमें विवेक ओबरॉय, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई कलाकार थे और शूटिंग कभी समय पर शुरू ही नहीं होती थी। मैं काम के लिए कभी भी इतनी बेताब नहीं रही, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि सेट पर लंबे समय तक मैं रुकूं और किसी का इंतज़ार करूं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टैलेंट और टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। मैं रामगोपाल वर्मा की बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर रंगीला और सत्या को देखने के बाद। मैं सेट पर उनसे सीखने को लेकर हमेशा उत्साहित रहती थी। जब हमने टीम के तौर पर मस्ती की तो मुझे ही पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसा फेवरेटिज्म और एक्सप्लॉयटेशन जो है, इसका कल्चर बहुत पुराना है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं उस समय बहुत भोली थी, नादान थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन उस घटना ने मुझे ये सिखा दिया कि समय की क्या इम्पोर्टेंस है, समय का क्या महत्व है। तो उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री में उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और कई बार जो है जब उन्होंने इस फिल्म में भी काम किया तो जो काम किया उसके मुकाबले उन्हें पैसे नहीं मिले। हालांकि बहुत सारे एक्टर्स जो है इस बात की हमेशा ही कंप्लेन करते हैं और खासकर एक्ट्रेसेस कि उनको जो है जो उनका काम होता है उसके मुकाबले जो कीमत दी जाती है वो बहुत कम होती है।